हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई अच्छे ही होंगे सारे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। नहा लिया हूँ, बस रेडी हो रहा हूँ। रेडी होके तुम सोचोगे इतनी सुबह सुबह जल्दी कैसे नहा लिया। ये नहाते ही भाई आज हम जा रहे हैं महाड़ी पर। वहाँ पर हमारे जानने वाले भैया हैं, उन्होंने भंडारा दिया है। तो मेरे बहुत दोस्त हैं जो मुंबई से मेरे को देख रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है महाड़ी क्या है। तो मैं वहाँ जाऊँगा, तुमको बताऊँगा वहाँ क्या है क्या नहीं है। तो जुड़े रहे ब्लॉग में, ठीक है? रेडी होके मिलता हूँ। बहुत ठंड लग रही है भाई। तो हमारा भाई हो गया तैयार। भाई फुल मस्त लग रहा हूँ ना। बता दो जरा कमेंट करके कैसा लग रहा। स्मार्ट लग रहा ना? आउटफिट दिखाऊंगे आपका। ब्लैक शूज, ये देख रहे हो, स्मार्ट लग रहा ना तुम्हारा भाई। चलो भाई अब मिलते हैं तुमको मंदिर पे, ठीक है? वहां जाके दिखाता हूँ क्या क्या सीन है। भाई निकल लिया हम घर से। गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, किसी ने कपड़ा नहीं मारा हमने गाड़ी पे, क्योंकि बहुत ठंड है, हाथ नहीं चल रहे अभी। तो बाद में धुलाएंगे यार इसको, देखो कितनी गंदी हो रही है। तो मिलते हैं हम तुमको माड़ी पे, ठीक है? भाई देखो ये आ गई है बड़ी नहर हमारी यहाँ की। और ये देखो यहाँ पे छठ पूजा होती है भाई। ये देखो ये घाट बना रखा, देखो इन्होंने यहाँ पे छठ मैया की पूजा होती है। पानी नहीं है अभी, कम पानी है। हम गोगा वीर जी महाराज के उसमें माड़ी पे। ये देखो ये एंट्रेंस है, ये रहा। ले लो अंदर ही ले लो गाड़ी, ले लो ले लो। भाई अब आपको आगे जाके दिखाते हैं क्या है, ठीक है कैसा है। ये देखो भाई भंडारे चल रहे हैं यहाँ पे, संडे टू संडे भंडारे चलते हैं पूरे दबा के, पूरी भीड़ है देखो। तो भाई ये एंट्रेंस है गोगा वीर महाराज का, ये रहा पूरा। ये देखो यहाँ पे दिया जल गया है। ये देखो ये स्थान है, ये बाबा जी का स्थान है। जो भी हमें मिल चुके हैं, कहाँ है भंडारा हमारा, आगे चल रहा आगे यार। हमें सबसे फोन करना, फोन ही नहीं उठा रहा। ऐसे कैसे चल रहा है? हम तो भीड़ में रह जाते हैं। देखो ये छड़ियों के नाम लिखे हुए, यहाँ छड़ियों के स्थान बने हुए हैं, ये छड़ी खड़ी होती है यहाँ पे आगे। भाई ये मेरे राजू भी आए हैं, हमारे घर के पास रहते हैं। अब ये बताएंगे यहाँ की महत्व क्या है पूरी, बताओ भैया। ओम नमः शिव गौरव। ये यहाँ पर हमारे गुग्गा रानी जी की स्थान है, और ये बागड़ से पहले का स्थान है माना जाता है। इस समय पे यहाँ पर बाबा जी हमारे हरिद्वार के लिए जा रहे थे, तो बाबा जी हमारे यहाँ रुके थे। तो एक कमली भगत जी थे हमारे, कमली भगत जी वो एक मछुआरे थे, वो शिकार कर रहे थे मछलियों का। तो महाराज जी को उन्होंने नेजा महाराज दिया था, जिसके कारण उन्होंने जगह जगह भ्रमण करते हुए लोगों की मनोकामना पूर्ण होते हुए ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई, जहाँ भी महाराज की कृपा से और सभी की मनोकामना पूर्ण होते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े दूर यात्री सब लोग यहाँ पर आते हैं, सब इच्छा सब अनुसार आते हैं।
जिसकी जो मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर आते हैं। और भैया ये बताओ, जो जहाँ पे छड़ियाँ चलती हैं, जब छड़ी का मेला होता है तो वो छड़ी को क्या बोला जाता है, क्या क्या उनकी वो है महत्व, क्या है छड़ी का महत्व? ये है जी, नेजा महाराज जो है, नेजा महाराज किसी के यहाँ भ्रमण नहीं करने जा सकते। अब लोगों को किसी की मनोकामना पूर्ण हुई तो मुझे भंडारा कराना है, तो छड़ी के माध्यम से वो छड़ी वहाँ पर आती है, उस छड़ी को पूजा जाता है, उसका पूजन होता है, तो उस माध्यम से उनका भंडारा पूर्ण हो जाता है। और जैसे भैया बहुत लोगों को नेजा महाराज जी के बारे में नहीं पता कि वो कौन है, गुग्गा वीर महाराज जी के बारे में नहीं पता वो कौन है। गुग्गा महाराज जी एक राजस्थान के राजा थे। हाँ जी, राजा जेवर सिंह जी के लड़के जी, उनका नाम जहरवीर जी गुग्गा राणा जी थे। उनके गुरु बाबा गोरखनाथ ये प्रसिद्ध है, उन्होंने उनकी सेवा की है, माँ बाछल ने उनकी सेवा की है, जिसके वरदान से, बाबा गोरखनाथ के वरदान से उन्हें प्राप्त हुए जहरवीर महाराज। और इनको छड़ी अर्पित की जाती है ना, निशान जी, निशान इन्हें झंडा जिन्हें बोलते हैं, झंडा बोलते हैं जैसे जी, तो झंडा बनाकर लोग लाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण लाकर उस पे स्थान पे लाके अपना चढ़ा देते हैं। ठीक है जी, जैसे कि आपने सुना अभी सबने, भैया ने कितने अच्छे से बताया, ये राजस्थान जी, राजस्थान के महाराज थे, और ये गुग्गा राणा जी, और ये एक किनके वो थे, बाबा गोरखनाथ जी के शिष्य थे, तो इसलिए उनको बहुत, इनकी बहुत मान्यता है। एक बार जरूर आइए आप सहारनपुर में जी, और आपको दिखाएंगे पूरा। दसवीं के दिन मेला भरता है, नौवीं दसवीं में, नौवीं दसवीं में बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, बहुत भीड़, बड़े बड़े दूर दूर से यात्री आते हैं यहाँ पर जी, बहुत मतलब राजस्थान के बाद यहाँ दूसरा स्थान यही है, सहारनपुर में दूसरा स्थान है, पहला स्थान राजस्थान है जो बड़ा स्थान है, दूसरा स्थान सहारनपुर के अंदर है। तो आपने जैसे देखा, आपको अभी और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। ठीक है, अभी हम भंडारा चालू होगा, अभी इनके यहाँ भंडारा है, वो अभी तक आए नहीं, आने वाले हैं फिर मैं देखो, भंडारा चल रहा है यहाँ पे कढ़ी चावल का, यहाँ हर संडे कढ़ी चावल का भंडारा होता है, हर संडे आप जब भी आओगे संडे को आपको भंडारा मिलेगा ही मिलेगा। कीड़े महाराज हैं, ये वो जगह है, हाँ। ये तालाब है, बाबा जी उनका घोड़ा इस जगह बंधा हुआ था, हाँ। और उंगली भगत जी यहाँ पर बैठे थे, शिकार कर रहे थे मछली जी का, तो महाराज जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने घोड़े को यहाँ पानी पिलाया था। काफ़ी बड़ा तालाब है ये वहाँ तक उनकी जगह है, गुग्गा महाराज जी, ये वहाँ तक, ये पूरी जितनी देख रहे हैं ये पूरी तालाब की जगह है, वो तालाब की जगह है जहाँ महाराज जी आकर विराजमान हुए थे, जहाँ बाबा विराजमान हुए थे। ये हमारे घर के पास भैया भाभी रहते हैं, इन्होंने आज भंडारा दिया हुआ यहाँ पर, ये देखो ये हमारे प्यारे भैया रमन भैया, ये भाभी जी, और ये देखो ये भोग तैयार हो गया है, ये देखो कढ़ी चावल का भंडारा है, और आज अभी जब ये लेके जाएंगे ना फिर दिखाता हूँ मैं आपको, जब जैसे भोग लगेगा। ठीक है, भाजी हमारी सब लोग देखो, अब जयकारा लगा दो एक बार, जय भाई, अभी दोनों लगाएंगे, भैया और गए हैं प्रसाद चढ़ाने, प्रसाद चढ़ा के फिर प्रसाद का वितरण करेंगे। अब ये भोग इसमें मिलाया जा रहा है, प्रसाद बन गया ये पूरा, चलो जी लगाओ भाई लगाओ भाई, भंडारा स्टार्ट हो गया हमारा, ये देखो ये लग गया, नहीं स्टाइल देख लो हमारे अंकल का, ये देखो ये अंकल का स्टाइल देख रहे, डीडी मूव में ढोल बजाया जा रहा है, चश्मा लगा के देखो, भीड़ देखो यार कितनी हो गई, ये देखो प्रसाद आ गया अपना, ये कैसा बन रहा, बढ़िया बन रहा, चलो भाई प्रसाद खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपको आगे। ठीक है, भाई हमने भंडारा खा लिया है, अब हम जा रहे हैं बड़ी नहर, बड़ी नहर में शिव मंदिर की तरफ जा रहे हैं, वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो एक बार लास्ट बार दर्शन कर लो जय हो बाबा की, चलो भाई अब मिलते हैं बड़ी नहर पे, मंदिर में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कैसा है भाई, शिव मंदिर आ गए हम लोग, ये देखो बड़ी नहर, आपको दिखाता हूँ यार कितना मस्त है यहाँ पे, सब माहौल बहुत मस्त है, ये देखो कितनी कितना पानी चल रहा है, ये देखो व्यू देखो भाई, और वो रहा मंदिर है,
हाँ भाई, कैसा लग रहा? मस्त है ना? मेरे पापा बचपन में यहाँ पे नहाया करते थे, यहाँ से कूदते थे इसमें, बहुत 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 नहाया यहाँ। और अभी मैं कह दूंगा ना, मैं नहा लूँ, मना कर देते बड़ी नहर नहीं जाना, और खुद सारे कांड करके बैठे हैं। ये देखो यार कितना मस्त पानी है। चलो मंदिर 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 तो बंद है यार, अब कैसे जाए उस तरह। चलो मम्मी पापा, मम्मी पापा का रील चालू हो गया है, वो वीडियो ढूंढ रहे कौन सी रील बनाए हम। ये देखो हाँ भाई, रील बना रहे क्या है? रील ढूंढी जा रही है रील भाई। ये देखो इंस्टाग्राम खुल चुका है, ये देखो रील बनाई जाएगी, अब देख लो भाई। देखो ये भैया डैम खोल रहे हैं, ये बंद पड़ा था, यहाँ पानी रुका हुआ था पूरा, ये इन्होंने खोल दिया। देखो कितना एक ही खोला है, ये देखो, और ये सब इसमें कम कम पानी आ रहा है इनमें, इसमें कम है। ये वाला भी खुला हुआ है एक, ओह बहुत ठंडी हवा चल रही भाई। ये देखो क्या बात है, यहाँ से नीचे जा सकते हैं ये आके बस भाई। यहाँ बच्चे बहुत नहाते हैं, यहाँ पे आके जाके पूछते हैं, वहाँ पे बहुत नहाते हैं। ये देखो ये पानी रुका हुआ है पूरा, आगे वाला बंद है। इन्होंने ना एक खोल रखा है एक बंद कर रखा, एक खोल रखा है एक बंद कर रखा, ऐसा कर रखा है। ये वाला भी चल रहा है, ये थोड़ा थोड़ा चल रहा है। देखो ये रहा मंदिर, देखो मंदिर बंद है, बट आपको आप लोग को दिखा देता हूँ, फिर भी मंदिर तो बंद है बट दिखा देता हूँ। अगर बाहर का मेन गेट भी बंद होगा तो नहीं जा पाऊँगा अंदर। हाँ बंद है, मेन गेट भी बंद है, शाम को खुलेगा। ये बंद है यार, ये देखो ये मंदिर का रास्ता यहाँ से है, ये इधर से। एक्चुअली वो मेन रोड पड़ती है, वहाँ कार खड़ी करने की जगह नहीं है तो हम लोग उस साइड खड़ी कर दी इसलिए। चलो भाई आगे मिलते हैं, अभी अब घर ही जाएंगे और तक कुछ खैर ही, घर जाते हैं, घर पे मिलते हैं आपको जाके, ठीक है भाई। अब जा रहे हैं घर, हमारी वीडियो सेशन हो गया, रीले विले पूरी बन चुकी हैं, पूरी स्लो मोशन वगैरह पूरी वीडियो बन गई है हमारी। अब मिलते हैं घर पे जाके, ठीक है। अब क्योंकि ठंड लग रही है बहुत, पर वीडियो बनाना भी ज़रूरी है ठंड में, तो चलो घर जाके मिलते हैं भाई। ओके घर आ गए हैं भाई, बहुत ठंडा है यार, हालत ख़राब हो रही है, मिलते हैं तुमको। चलो खाने के तो अब है नहीं कुछ मूड, क्योंकि कड़ी चावल खा लिया, ओह देखा कड़ी चावल खा लिया। अब मिलते हैं, चाय वाय देखते हैं, बनवाते हैं यार कुछ। मम्मी क्या चल रहा है, कढ़ाई में दूध उबल रहा है आज? नहीं बेटा, वो मावा निकाल रही हूँ। ओफो भाई मावा निकालना जा रहा, पूरा खर्चा कर रखा मेरी माँ ने। अरे परसों सकट है ना? अच्छा भाई सकट है परसों, तो तिल के लड्डू मावे वाले, क्या बात है। चलो बना लो, फिर जब बन जाएंगे फिर खाएंगे और दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। हुक्का है ये तो, टूटा हुआ हुक्का नहीं है, हुक्का पूरा है ये, इसे ये इसमें लगता है ऐसे। यस यस चलो भाई भाई, बिग शाउट आउट फॉर माय मौसी, आज मेरी मौसी का बर्थडे है। ये रही मेरी मौसी जी वीडियो कॉल पे, हैप्पी बर्थडे। और हाँ भाई, मौसी जी मेरे को पार्टी दे रही है घर बैठे बैठे, कह रही है बताओ क्या क्या ऑर्डर करूँ, बताओ जल्दी। ये ब्लॉग में ऐड हो रहा है, देख लो भाई, जब तक ऑर्डर नहीं होने का मैं कट नहीं करने का, ठीक है। अब मौसी फंस चुकी हैं, अब मौसी जी फंस गई हैं भाई। हाँ भाई ऑर्डर लिखो, दो मिस्सी रोटी, मम्मी जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी ऑर्डर बताओ। एक शाही पनीर, दो मिस्सी रोटी, और दो बटर नान। अच्छा दो बटर नान और सिंपल चार रोटी, पापा की सिंपल चार रोटी बस, ठीक है जी। और दाल मखनी? नहीं नहीं नहीं, शाही पनीर दाल मखनी भी मंगा लो। चलो दाल मखनी आप अपनी तरफ से भेज देना, ठीक है। हाँ हाँ, शाही पनीर, दाल मखनी, दो मिस्सी रोटी, बस ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ और किसी और के ना भेज दियो, हमारे घर का एड्रेस पता है ना। कभी किसी और के चला जाए, ठीक है। हाँ अभी एड्रेस मैं इसमें वीडियो में नहीं बताने का, रुक जाओ अभी भेज दूंगा मैं लिख के। चलो भाई, मौसी जी ने तो देनी पार्टी, मौसी जी ने दे दी गोली मिंटॉस की, तो हमने कहा मौसी का बर्थडे सेलिब्रेट तो करना बनता है, तो हमने घर में बनवा लिया है। देखो क्या, मम्मी को बोला भाई टिक्की बना लो, तो हम सेलिब्रेट करेंगे
हैप्पी बर्थडे मौसी, बदला लिया जाएगा इसका, कोई बात नहीं, आपने पार्टी नहीं दी, कोई बात नहीं। चलो भाई आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं फिर, ठीक है। डिनर आ गया, टिक्की है आज आलू की डिनर में। तो आज का व्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। तो बाय बाय, गुड नाइट, और कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय।